हेयरबैंड का बिजनेस शुरू करना कोई कठिन काम नहीं है और ना ही इसमें कोई लंबी चौड़ी रकम ही खर्च होती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दो तरीके से शुरू किया जा सकता है ये बिजनेस। हेयरबैंड बनाने का काम दो तरीके से शुरू कर सकते हैं। पहला ये कि आपका मार्केट में उपलब्ध रेडीमेड रबर रोल को खरीद सकते हैं और दूसरा ये कि आप अपना रबर रोल स्वयं ही बनाकर उसकी कटिंग करके रबर बैंड तैयार करें। इसके लिए आपको रबर बैंड यूनिट लगानी होगी। इस तरह से आपको शुरू में प्रोडक्शन महंगा पड़ेगा, वो इसलिए कि इस काम में आने वाली कई मशीनों को लगाना होगा। बाद में इस तरह के प्रोडक्शन से मुनाफा अधिक मिल सकता है। रेडीमेड रबर रोल से बैंड बनाने के लिए आपका केवल कटिंग मशीन और पैकिंग मशीन ही चाहिए होगी। इसके अलावा रबर रोल बनाकर बैंड आने के लिए आपको पूरी यूनिट ही लगानी होगी। हेयरबैंड के बिजनेस में ज्यादा झंझट नहीं होता है। हेयरबैंड के बिजनेस का स्कोप काफी अच्छा है, इसमें मुनाफा भी अच्छा मिलता है, झंझट भी काफी कम है। इसके लिए आपको एक मशीन की आवश्यकता होती है। मशीन को चलाना इतना आसान है कि कोई भी व्यक्ति एक बार चलाने का ट्रिक समझ ले तो वो आसानी से चला सकता है। इस मशीन को चलाने के लिए किसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। यदि आप मशीन चलाना नहीं जानते तो जिस कंपनी से आप मशीन खरीदना चाहेंगे तो उसे बता दें कि मशीन चलाना नहीं आता, वो कंपनी एक्सपर्ट बंदे से आपको मशीन चलाना सिखा देंगे। बहुत थोड़े समय में आप मशीन चलाना सीख जाएंगे, इसके बाद आप स्वयं ही मशीन चला लेंगे। रबर बैंड के बिजनेस में मिल सकती है सहायता। हेयरबैंड का बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही ऑफिसर्स, मिठाई और अन्य तरह की दुकानों में सामान की पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले रबर बैंड का भी काम कर लिया जाए तो उस बिजनेस में काफी लाभ प्राप्त हो सकता है। इन सारे कामों के लिए कुछ और मशीनों की जरूरत पड़ती है तथा थोड़ी सी जगह और इस काम को शुरू करने के लिए जरूरत होती है। अब आपको ये तय करना है कि आप केवल हेयरबैंड का ही बिजनेस शुरू करेंगे या सभी तरह के रबर बैंड का बिजनेस करना चाहेंगे। कुटीर उद्योग के रूप में भी किया जा सकता है शुरू। यदि महिलाओं के बाल में लगने वाले रबड़ बैंड बिजनेस करना चाहते हैं तो ये बहुत ही कम जगह और कम खर्चे में शुरू किया जा सकता है। महिलाओं के रबड़ बैंड भी दो तरह से बनाए जाते हैं। एक रबड़ बैंड नायलॉन के धागे से बनाए जाते हैं जो मशीन से बनते हैं। दूसरे हेयरबैंड कपड़ों और अन्य सजावटी धागे आदि से बनाए जाते हैं जिन्हें हाथ और सिलाई की मशीन से बनाया जाता है। इस तरह के रबड़ बैंड बनाने का काम गृह उद्योग के रूप में शुरू किया जा सकता है, जिसमें घरों में काम करने वाली महिलाओं को रबड़ बैंड बनाने की ट्रेनिंग देकर घरों पर ही बनवा कर एकत्रित करके उनकी मार्केटिंग करके बिक्री की जा सकती है। क्योंकि महिलाओं द्वारा पार्ट टाइम में किया जाने वाला ये काम सस्ते दरों पर हो सकता है, इसके लिए ना तो आपको कोई मशीन लगानी और ना ही किसी तरह का झंझट मोल लेना है। डिजाइनर हेयरबैंड की रहती है ज्यादा डिमांड। अब आपको ये तय करना है कि आप केवल महिलाओं के बालों में इस्तेमाल होने वाला हेयरबैंड का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर सभी तरह की पैकिंग और अन्य कामों में इस्तेमाल किए जाने वाले रबड़ बैंड का बिजनेस। पारंपरिक हेयरबैंड बनाने से आपका बिजनेस एक सीमा तक ही चलेगा। यदि आप अपने बिजनेस को पंख लगाना चाहते हैं तो आपको अपने हेयरबैंड की नई नई डिजाइन ईजाद करनी होगी, उनका प्रचार करना होगा। आपकी डिजाइन यदि मार्केट में उपलब्ध हेयरबैंड की डिजाइन से अलग हटकर होगी और कस्टमर उन्हें पसंद करेंगे तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। स्मॉल स्केल से बिजनेस शुरू करने में है फायदा। बेहतर होगा कि आप हेयरबैंड बनाने का काम स्मॉल स्केल में शुरू करें। जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाए वैसे वैसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। स्मॉल स्केल पर यह बिजनेस आप साइड जॉब की तरह चला सकते हैं। घर के एक कोने में कटिंग मशीन लगाकर आप बाजार से रेडीमेड रबड़ होल लाकर उनकी कटिंग पैकिंग कराकर मार्केट में सेल कर सकते हैं। इस काम में घर में रहने वाली महिलाएं या परिवार के लोग आपकी सहायता कर सकते हैं। ये कटिंग मशीन घर में आने वाली बिजली से ही चलती है और इस बिजनेस के लिए कोई शोरूम नहीं खोलना पड़ता। घर से ही बने बनाए सामान की थोक और रिटेल शॉप में सप्लाई करनी पड़ती है। कानूनी प्रक्रिया के हैं डबल फायदे। स्मॉल स्केल का बिजनेस करने के लिए शुरू में किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। जब लगे कि आपका बिजनेस रफ्तार पकड़ने लगा है तो आपको फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस कानूनी प्रक्रिया के डबल फायदे हैं। पहला फायदा ये होगा कि आपको किसी कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और दूसरा सरकार द्वारा समय समय पर जारी लाभकारी स्कीमों का फायदा मिल सकता है। हेयरबैंड बिजनेस के लिए आपको कुछ कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना होता है। सबसे पहले आपको अपने फर्म का नाम चुनना होगा, उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद आपको GST नंबर लेना होगा, स्थानीय नगर पालिका और नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, पर्यावरण प्रमाण पत्र भी लेना होगा। इसके साथ ही लघु उद्योग के लिए MSME से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे आपको सरकारी सुविधाएं और सब्सिडी वाली स्कीम का फायदा भी मिल सकता है। माल बेचने की है अलग कला।
हेयर बैंड बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको बाजार में बेचना बहुत बड़ी कला है, क्योंकि हेयर बैंड किसी अन्य प्रोडक्ट की तरह बाजार में आसानी से नहीं बेचा जाता। इसको बेचने के लिए अलग तरह की रणनीति बनानी होती है। हेयर बैंड का कोई ब्रांड नहीं होता है, इसलिए इसको बेचना कठिन होता है। इसको बेचने के लिए आपको रिटेल बिजनेस करने वालों से संपर्क करना होगा। इसके अलावा इन रिटेलर्स को जो लोग सप्लाई करते हैं उनको खोजकर उनसे संपर्क करना होगा। आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखनी होगी और इस क्वालिटी किसे भी कभी समझौता नहीं करना होगा, तभी आपका माल मार्केट में बिक सकेगा। वरना एक बार खरीदने के बाद दूसरी बार आपके माल को देखते ही नहीं खरीदा जाएगा। आप होलसेल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कर सकते हैं। इसे आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, साथ ही बिजनेस टू बिजनेस काम करने वाली वेबसाइट के जरिए बेच सकते हैं। इसके लिए आपको इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्ट इंडिया जैसी वेबसाइट में संपर्क करना होगा। इसके अलावा आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे बिजनेस टू कॉमर्स कंपनियों से भी संपर्क कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से माल बेचने में मुनाफा कम मिलेगा, क्यों कोशिश करें कि शुरू शुरू में आप स्वयं अपने रिटेलर तक अपना माल पहुंचाएं। लागत का अनुमान ऐसे लगाइए, इस बिजनेस को स्थापित करने के लिए कितनी लागत आएगी, ये बात इस पर निर्भर करती है कि आप किस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। यदि आप अपने घर से ही स्मॉल स्केल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको जगह के लिए अलग अलग से किराया नहीं देना होगा। यदि किराए पर ही जगह लेनी होगी तो आपको एक छोटा सा कमरा कहीं भी लेना होगा, इसलिए ये कमरा भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा। आपको काम जहां शुरू करना है वहां एक बात का ध्यान रखना होगा कि बिजली की सप्लाई अच्छी हो, यानी बिजली कटौती वाला एरिया ना हो। इसके बाद आपको एक कटिंग और एक पैकिंग मशीन लगानी होगी। बजट कम हो तो पैकिंग मशीन को लगाने से बचें। यदि पैकिंग मशीन नहीं लगाते हैं तो आप ये बिजनेस 1,00,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, जिसमें एक वर्कर और कच्चा माल भी शामिल है। इसके अलावा यदि आप बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उसमें हेयर बैंड के अलावा रबर बैंड का भी बिजनेस चलाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप अपने रबर होल खुद ही बनाएं, तो आपको इस तरह के बिजनेस की लागत थोड़ी बढ़ जाएगी। इसमें लगभग 3,00,000 रुपए तक लग सकते हैं। मुनाफा आपके हुनर पर निर्भर करता है। अब बात आती है कि मुनाफा कैसे हो। ये बिजनेस कुछ अलग तरह का है। इस बिजनेस में माल बेचना बहुत ही कठिन काम है। एक बार आपके प्रोडक्ट की मार्केट बन गई तो फिर आपको माल बेचने में कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट बाजार में जगह बनाता जाएगा वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट का दायरा बढ़ता जाएगा। बिजनेस शुरू होने के कुछ समय बाद आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इसके अलावा मुनाफा आपके बिजनेस के तरीके पर भी डिपेंड करता है। यदि आप बाजार से रेडीमेड रबड़ होल लाकर केवल कटिंग करते हैं तो मुनाफा कम होगा। यदि जीरो लेवल से प्रोडक्ट करते हैं तो आपको मुनाफा अधिक मिल सकता है। इसके बावजूद इस बिजनेस के जानकार लोगों का कहना है कि इस बिजनेस में लागत कम, मुनाफा अधिक है और ये मुनाफा 30 से 40% तक हो सकता है।